हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। देखिए, आज काफ़ी हमारे दोस्त आए थे, बिहार से, दूर दराज के इलाकों से भी आए, राजस्थान से भी आए। जो हमारे लोकल कैंडिडेट्स हैं वो तो जनरली आते रहते हैं, जो दूर दराज से आते हैं उनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो हमारे साथ में हैं, आपका नाम बोलिए। जी सर, लालू यादव। लालू यादव हैं हमारे साथ में। तो लालू, आपको कैसा आपको लगा, आप कहाँ से आएँ वो बताइए पहले। सर, हम बक्सर जिला बिहार से आए हैं सर। बक्सर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है? नहीं सर, जनरल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। जनरल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो आपको लालू, जब आप चले थे घर से, तो बहुत से लोगों ने कहा होगा इतनी दूर जा रहे हो, क्या होगा, यहाँ पर भी चेकअप करवा सकते हैं, बड़ा डिमोरलाइज आपको किया होगा। लेकिन आप यहाँ आए तो आपको कुछ सीखने मिला, आपको अच्छा लगा कि भाई मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे पता ही नहीं थी अभी तक, और अब पता चली हैं आपको, डॉक्टर्स ने भी चेक किया, प्रॉपर समय दिया आपको, सुबह कितने बजे आप आए थे और अभी क्या समय हो रहा है, तब से आपका पूरा काम चल रहा है। यस सर, यस सर, हम सुबह यहाँ पर 8 बजे आ गए सर, हमको रिसीव कर लिए, और हम वहाँ से जब से हम SSGD का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तब से आपकी हम वीडियो देखते हैं और सब कुछ आपके बारे में जानते हैं। और यहाँ पर आ करके मेरा बहुत सारा इशू था, जो यहाँ पर बहुत मेरा बढ़िया से एकदम ठीक हो गया। अतः आपको कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अब मैं फिट हो जाऊँगा? बहुत बहुत सर, बहुत बहुत 110% कॉन्फिडेंस बन गया है कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादातर फिट हो जाऊँगा। देखिए, फिट अनफिट तो एक्चुअली फौजी डॉक्टर के हाथ में है, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसा पॉइंट होता है तो उसको हम करेक्शन कर सकें। जैसे आज हमारे एक कैंडिडेट आए थे, वो कलर ब्लाइंड भी हैं, तो अब कलर ब्लाइंड का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो हताश भी हुए, लेकिन अब हताश होना और नहीं होना, उसमें हताश होने से भी कलर ब्लाइंड ठीक नहीं होगा। तो आप लोगों को तो ऐसा कोई पॉइंट डिटेक्ट नहीं हुआ? आपका नाम बोलिए। मेरा नाम सुनील कुमार है सर, मैं बीकानेर से हूँ। सुनील बॉर्डर एरिया से हैं। बॉर्डर एरिया से। हाँ। आपको कितना मार्क्स आपको ज़्यादा है? मेरा मेरिट से 13 नंबर ज़्यादा हैं, 65 मार्क्स हैं मेरे। 65 मार्क्स। आपको कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा आपको? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी मेरे डाउट थे वो सारे मेरे डाउट क्लियर हुए। देख लीजिए, ये जो पूरे रिपोर्ट्स हैं। हाँ सर, और आपको ऐसा लगा कि जैसे मेरा मेडिकल ही मेरा पूरी तरीके से हो गया, वो ऐसा लगा? हाँ सर, पूरी बॉडी का चेकअप हुआ है, तो बहुत कुछ विश्वास मिला, जितने भी मेरे डाउट थे वो पूरे क्लियर हो चुके हैं सर। और अभी आपको लगता है कि अब मेरे को यदि आज मेडिकल होता है तो मेरे को ये पॉइंट बनता और मैं उसको करेक्शन कर सकता हूँ, या आज मैं फिट हूँ, या कॉन्फिडेंस किस लेवल तक आपको ऐसा लगा? जैसे एग्ज़ाम होता है तो डर लगता है ना। हाँ सर, कि मॉर्निंग में आप आए थे तो थोड़ा डर था। हाँ सर, डर था। हाँ, लेकिन अब वो डर ऐसा है कि अभी अब पूरा खत्म हो गया, जितने भी डाउट थे वो पूरे आपने क्लियर किए हैं, अब आपको ठीक लगा। इसके अलावा हमारे साथ में है, आपका नाम बताइए। मनीष महावर सर। मनीष, मनीष आपको कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे सब डाउट थे वो सभी क्लियर हो गए हैं सर। और आपके पिताजी भी पुलिस में हैं, तो आपने जब अपने पिताजी को बताया तो उन्होंने आपको पहले चैनल देखा होगा, उसके बाद उन्होंने कहा होगा कि भाई आप जाइए, इतने दूर जा रहे हैं। तो आपके पिताजी को चैनल देखने के बाद में यकीन हुआ कि ऐसा मेडिकल भी ऐसा कुछ होता है? यार, कोचिंग तो होता है लेकिन मेडिकल भी होता है, ये चैनल देखने के बाद यकीन हुआ? सर चैनल देखे थे, पापा को दिखाया था मैंने परसों के दिन, उसके बाद में पापा जी ने भेजा था मेरे, उसके बाद इनके बाबूजी को यकीन हुआ। देखिए, और दूसरा हमारे साथ, हमारे जो सबसे, जैसे कहते हैं ना, एक तो बड़ा लंबा बंदा होता है कई बार, और एक छोटा बच्चा होता है, तो आज हमारे बजरंगी जो हैं वो सबसे छोटे कैटेगरी के हैं, एज में भी सबसे छोटे हो आज। जी सर, आज के जो कैंडिडेट है 20 होने वाले हैं, पहला ही भर्ती आपका। जी सर। तो बजरंगी जो है उनको बड़े शक थे सुबह, तो अब ठीक है अभी? जी सर हमको बहुत बताइए आपका, तो कहां से आप आए हैं? ये हम बिहार के रोहतास जिले से हैं, सासाराम से हम आए। यहाँ पर हम आए तो हमको मेडिकल वाला सारा माहौल भी देखने को मिला, और हमारे अंदर जो भी कमियाँ थी, 2-4 टिप्स यहाँ पर लिखा गया, जो हमारे अंदर कमी थी वो भी सुधार करने को मौका मिला है पहले से हमको यहाँ पर आए हैं तो। और सर हमको एक्सरसाइज भी बहुत सारे बताए हैं, जिससे हम अपना जो हमारे कमियाँ हैं हम उससे दूर कर सकें। यानी आप तो विश्वास आया आपको? जी सर, बहुत ज़्यादा। आप डर रहे थे? बहुत ज़्यादा सर, नर्वस। आप नर्वस थे? जी सर। नर्वसनेस की वजह से क्या हुआ, हथेली में पसीना आया? जी सर, और भी बहुत जगह पसीना आया। चलिए, हमारे साथ है, बोलिए आपका नाम बोलिए। अभिषेक कुमार गुप्ता सर। अभिषेक, आप कहाँ से है? हम कैमूर जिला बिहार से हैं सर।
अभी देखिए अभिषेक आए हैं कैमूर बिहार से आए हैं, तो जो दूर से आते हैं देखिए उनका मुझे थोड़ा विशेष ध्यान हमें रखना होता है, और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो भी आपको पूछते हैं, यहाँ पे आपको हमारे जो स्टाफ वाले जो थे और वो पूछे आपको कि इतनी दूर से आप आए हैं, आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं लगा? आपको कुछ डर था जैसे दूसरे प्रदेश में हम जाते हैं तो बड़ा डर लगता है यार क्या होगा, मैं अकेला जा रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं होगी दो यूनिट मेरा खून निकाल लिया जाए, ऐसा डर तो नहीं था? नहीं ऐसा डर नहीं था, लेकिन घर वाले बोलते थे अच्छे से जाना है, यहाँ पर आने के बाद जो डाउट था क्लियर हुआ सब डाउट, अच्छा लग रहा है, हमको लग रहा है कि मेडिकल फिट हो जाएंगे। कि जैसे अपन एग्जाम देते हैं मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें अपने को 80 मिल रहा होता है तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, जी सर। वैसा ही कॉन्फिडेंस लेवल आपको? जी सर बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही सर। चलिए दूसरे हमारे साथी हैं, बोलिए आपका नाम। बोलिए जितेंद्र महावर। जितेंद्र आप इनके साथ में हैं? यस सर। इनके ब्रदर हैं? हम ब्रदर हैं सर। तो आप तो यहीं बैठे थे, आपको तो ये कभी जा रहे थे इधर कभी उधर, कभी कोई हताश था कोई निराश था? नहीं कोई नहीं। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहीं सोया था। आप सो रहे थे? सो रहे थे। नहीं आपको जैसे दूसरे लोग जो थे वो आप ये सुबह से गए बाहर फिर आए फिर गए फिर आए, तो आपको ऐसा लगा इनका जो इन लोगों को देख के कि ये कुछ इनके अभी खुश है अभी उदास हैं, कुछ ऐसा लगा? सब ना सर सब खुश लगे। खुश लगे सब। चलो बहुत बढ़िया। और हमारे साथी हैं, बोलिए नाम। बोलिए दयाशंकर यादव। कहाँ से आप आए हैं? बिहार बक्सर जिला। बिहार बक्सर जिले से? जी सर। ये ले लीजिए, बताओ अपने दोस्तों को बताइए। जी सर आने से पहले हम लोग को यूट्यूब पर देखे थे कि ये सब होता है, जो देखे थे सेम वही प्रोसेस यहाँ पर शुरू हुआ था और शुरू से लेकर अंत तक वही प्रोसेस चला, और हम लोग को विश्वास हो गया है कि जो बताया जा रहा है यूट्यूब पर वो स्वयं उसी तरह से यहाँ पर किया जा रहा है, और जो कमी हम लोगों को पता नहीं था वो कमी यहाँ पर आने के बाद हम लोग को पता चला। जैसे मेरा एंगल ये वहाँ पर पता नहीं था कि इतना डिग्री लेता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि एंगल इतना से इतना के बीच में होना चाहिए। और सब दयाशंकर आपका भी आत्मविश्वास बढ़ा आपका? कितना मार्क्स आपको ज़्यादा है कट ऑफ से? 7 नंबर ज़्यादा है आपको। देखिए 7 नंबर वाला जो है वो वैसे तो 50-50 वाले कैटेगरी में है, जिनको 20 नंबर ज़्यादा है वो तो निश्चित रूप से भर्ती होंगे, लेकिन 7 भी कम नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो आए दूर दराज के साथी आए, और जो परिजन साथ में आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो परिजन चैनल देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। देखिए आप हमारा भरोसा करके यहां भेजते हैं तो आपका भरोसा हम बनाए रखेंगे। जय हिंद।